मानिक पवार है, और इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ मेरी मुलाकात 2015 में हुई थी जब मैं 19 साल की थी। बहुत सारे रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स थे, गलत लाइफस्टाइल थी, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था, लेकिन 100% थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड माय न्यूट्रिशन क्लब, जहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, और वहाँ पे एक ऐसा माहौल मिला जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ कोई बात भी करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस की वजह से मेरा जो नेचर है बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, और बहुत कम फ्रेंड्स थे, बाहर का सोशल लाइफ नहीं था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मिला, अच्छा लाइफस्टाइल मिला, लोग अच्छे मिले, जिसकी वजह से ये जर्नी मेरी कंटिन्यू हो पाई। इसके पहले तो बहुत टाइम वजन कम करने की कोशिश की थी, लेकिन 1-2 किलो कम हो जाता था बड़ी मेहनत के बाद, और वो वापस दुगना बढ़ जाता था क्योंकि गाइडेंस नहीं था। तो ये पावर है इस कम्युनिटी की, थैंक यू सो मच। मैंने अमेजिंग 23 किलोस कम किया है, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस साथ में लेके आई थी, लेकिन उनका साथ कब छूट गया पता नहीं चला। ओनली थैंक्स टू दिस ब्यूटिफुल न्यूट्रिशन, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसके पहले भी मैंने बहुत बार वजन कम करने की कोशिश की, लेकिन सही खाना नहीं था मेरे पास, कसरत बहुत कर रही थी, बहुत कुछ खाना छोड़ भी दिया था, लेकिन खाने में जो ऐड करना चाहिए था वो नहीं किया था। जैसे कि आज का टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट्स वाला, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हर एक बैकग्राउंड के लोग, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे किचन का पता है, ठीक है, किचन में कोई भी सब्जी बनाने जाते हैं उसके लिए प्याज काटना पड़ता है, तो प्याज के छिलके तो हम लोग खाने में नहीं डालते, राइट। ऑफिस में है कोई, डेस्क जॉब कर रहे, तो जंक फाइल्स बनते हैं जो वो प्रोसेस का पार्ट है। अभी हम लोग वेट मैनेजमेंट के जर्नी में है, वैसे ही वजन घटाने की जर्नी में कुछ शरीर में ऐसी चीजें होगी जो जरूरी नहीं है, वो टेम्पररी काम करेगी और उसका बाकी कुछ यूज नहीं है। जैसे कि खाने में प्याज के छिलके का कोई यूज नहीं, लेकिन वो खाना बनाने के प्रोसेस का एक पार्ट है। वैसे ही अभी मैं सांस ले रही हूँ, रोज सोती हूँ, उठती हूँ, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, ये सारी चीजों में शरीर में जो भी हलचल चल रही है उसमें कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस या फिर ऐसी प्रक्रिया बनती है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो टेम्पररी हमारे शरीर के लिए बहुत वो टाइम के लिए जरूरी थे, लेकिन वो काम खत्म होने के बाद उसका अभी कोई जरूरत नहीं है। खाना पचाने की प्रोसेस, आप शरीर में गर्मी पैदा होती है, उसमें बोलते कोई भी चीज को हमने जलाया तो धुआं निकलता है, राइट, तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन वो जलने के प्रोसेस में वो बनेगा वेस्ट। वैसे ही हम जब खाना खाते हैं, खाना हमारा पचने के प्रोसेस में बॉडी में धुआं बनता है, ऐसे आप समझ लो, वो हीट की वजह से। तो ऐसे कई सारे फ्री रेडिकल्स प्रोसेस में होने वाले, किसी भी प्रोसेस में होने वाले बाय प्रोडक्ट को न्यूट्रल करना, मतलब उनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। घर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, पता है, अभी खाने का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला प्याज के छिलके घर में आपने ऐसे किचन काउंटर पे 2 दिन रख दिए, वो आपको कुछ क्या बोलते हैं कि तकलीफ भी नहीं दे रहे, आप भी उनको टच नहीं कर रहे हो, लेकिन घर में बदबू आएगी प्याज के छिलके की वजह से, तो हमें उसको डस्टबिन में डालना जरूरी है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। वैसे ही शरीर के अंदर जो प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उसको सही तरीके से शांत नहीं किया, शरीर के बाहर नहीं निकाला, तो वो क्या करेंगे, हमारे वेट मैनेजमेंट के जर्नी में रुकावट लाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल्दो 100% मेहनत करने के बाद उतना हम लोग वेट मैनेजमेंट का टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है हम सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, वजन घटाने तो कर देते हैं, लेकिन मतलब लोग क्या करेंगे, बहुत कसरत करेंगे, ओवर एग्जर्शन करेंगे और वजन घटाने के पीछे लग जाएंगे, स्किन काली पड़ जाती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, होता है, राइट। तो ये सारी चीजों को हमें अगर अवॉइड करना है, कम मात्रा में लाना है, शरीर में जो भी डैमेजेस हो रहे हैं शरीर में ये प्रोसेस के दौरान उसको कम करना है, प्रिवेंट करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छा न्यूट्रिशन, ये हमारे पास चाबी है, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। अभी जाने अनजाने में हमें, हम घर में हमारे खाने में आपने देखा होगा नींबू निचोड़ते हैं, टमाटो का यूज करते हैं, जिंजर का पेस्ट यूज करते हैं, ये सारी चीजें खाने में अपने आप हमने ऑटोमेटिक ऐड कर दी, राइट। तो ऐसे ही हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, होलसम खाना हम जो बोलते हैं, क्यों हमें प्रोसेस फूड की तरफ नहीं जाना है, उसमें ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट नहीं है। वेट मैनेजमेंट के जर्नी में आपको घर का ही खाना रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो ये चेंज हमें करना है। अगर हमारे शरीर में जो वेट मैनेजमेंट के जर्नी में
बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको मैनेज करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वेट मैनेजमेंट के जर्नी में हमें घर का ही खाना खाना है। क्यों? वो बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। खाने में हल्दी का उपयोग हमें अच्छी तरीके से करना है, इम्पोर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, राइट? वो हमारे शरीर को बैलेंस करने में, हमारे शरीर को खूबसूरत करने में बहुत मदद करता है। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब आपने इस कम्युनिटी के साथ, स्पेशली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट की, आप सुंदर देखना शुरू किए। बहुत सारे लोगों ने, 100% सभी ने फील किया है, आपकी स्किन बहुत बेहतरीन होती जा रही है। रीजन, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे मॉर्निंग के शेक में पाए जाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमारे होलसम सब्जी में पाए जाते हैं, हाँ खरा है। हम लोग हेल्दी एज होते हैं, हमारा एज दिखता नहीं है। जब मैंने शुरू किया था 19 साल की थी, लेकिन आंटी लगती थी, राइट? अभी हाँ एज बढ़ गया है, आंटी भी हुई हूँ एज के हिसाब से, लेकिन वो राइट एज दिखता है हमारा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हमारे खाने में होलसम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने बहुत जरूरी है। जैसे आपके कोच आपको दोपहर के खाने में भर भर के सलाड खाने को बोलते हैं, उसके पीछे यही रीजन है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर को नरिश करेगा, लो कैलोरी में अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अभी अभी जब हम लोग हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, तो बेनिफिट क्या होता है पता है? जो मैंने बोला था, कुछ कुछ लाइफ में ऐसे लोग भी रहते हैं ना, जिनका हमारे लाइफ में होने की वजह से भी बहुत सारी तकलीफ होती है, राइट? इधर की बात उसको, उसकी बात उसको, ऐसा होता है, हमारा कुछ काम नहीं है उसमें। तो क्या करना जरूरी है? उनको अपने से लंबा रखना जरूरी है। वेट मैनेजमेंट के जर्नी में हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो रुकावट जो ला रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें हमारे खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहाँ से मिलेंगे वो? हमारा अमेजिंग अफ्रेश। आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके कोच आपको बोलते हैं दिन में 3 से 4 बार अफ्रेश का सेवन कीजिए, चाय कॉफी को दूर रखिए। रीजन बिहाइंड इट, अफ्रेश हमारा एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, वो आपके वेट मैनेजमेंट जर्नी को बहुत अच्छे से मदद करेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा सेल एक्टिवेटर का न्यूट्रिशन जो एक काम करता है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, अचानक से शरीर को अच्छा खाना देना शुरू किए हैं, वो शरीर तक पहुंचाता है, एंड बेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। जो शरीर में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको शरीर में न्यूट्रलाइज, उनको स्टेबल करने का काम करता है। उससे हमें मदद क्या होती है, हमारा वेट मैनेजमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। अगेन वी कैन स्टार्ट विथ मल्टी वाइटमिन्स। मल्टी वाइटमिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वेट मैनेजमेंट के जर्नी में। तो अगर आपको खूबसूरत दिखना है, वेट लॉस कराते कराते, वेट गेन करते करते, हेयर का टेक्सचर अच्छा करना है, स्किन को बहुत अच्छा करना है, आपके वेट का रिजल्ट आपको एकदम अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपके वेट मैनेजमेंट के जर्नी में जो मैंने सप्लीमेंटेशन आपको रेकमेंड किया, अफ्रेश का सेवन एंड सेल एक्टिवेटर का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 2 बार उसको आप ले सकते हो, अमेजिंग वे आपका वेट मैनेजमेंट का जर्नी होगा, एंड आपका फाइनल रिजल्ट जो वेट मैनेजमेंट का होगा वो बहुत उभर के आएगा। सो देर आर सो मेनी वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, जो खट्टी चीजें होती है, फ्रूट्स हमारे हो गए, राइट? तो बेसिक जो हमारा होलसम डाइट है ना, उसको फॉलो कीजिए। और कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सर्टन फ्रूट्स एंड विटामिन्स की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एलर्जी होती है, तो उनके लिए बेस्ट है ना सेल एक्टिवेटर। तो कोई चैलेंज नहीं है, कैलोरीज के बारे में भी देखने की जरूरत नहीं है, और जितना एग्जैक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंटीऑक्सीडेंट्स का, उतना आप डेली बेसिस पे दे पाओगे। और जो भी चीज आप लगातार करते हो कंसिस्टेंटली, करेक्टली, वो आपको 100% रिजल्ट देता है। सो गेट स्टार्टेड विथ योर एंटीऑक्सीडेंट्स, गेट स्टार्टेड विथ योर अफ्रेश, गेट स्टार्टेड विथ योर सेल एक्टिवेटेड टैबलेट, एंड गेट अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट्स। सो ये था आज का क्विक टॉपिक, बहुत सिंपल था, एंड आई होप आप सब फॉलो करोगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। बैक टू यू संदीप सर।